सरकारें आईं और गईं, लेकिन दुमका के मसान रोड डैम के स्वामित्व के लिए झारखंड आज तक तरस रहा है। 1956 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मसान जोड़ डैम का उद्घाटन किया। बिहार और पश्चिम बंगाल के साथ हुए एग्रीमेंट के बाद डैम का पूरा अधिकार पश्चिम बंगाल को मिला। दरअसल पहली पंचवर्षीय योजना के तहत कनाडा के सहयोग से 1956 में बने इस डैम के पानी से बंगाल के वीरभूम को अकाल से बचाना था, लेकिन झारखंड गठन के बाद मसान जोड़ डैम राजनीतिक दलों के लिए एक मुद्दा बनकर रह गया। डैम दुमका में है, लेकिन पानी का पूरा इस्तेमाल पश्चिम बंगाल करता है। संजोर का पानी कृषि के रूप में झारखंड को कैसे मिले, सरकार को इसका विशेष रूप से योजना बनाना चाहिए। वर्षा के भरोसे ही खेती करते हैं लोग, अगर सिंचाई का व्यवस्था इसके माध्यम से होगा तो पलायन भी रुक सकेगा। कसर किसी बात की है कि जिसकी जमीन पर डैम है उसे पानी नहीं मिला, विस्थापितों को मुआवजा भी जैसे तैसे दिया गया। राज्य में विस्थापितों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया। 2000 में झारखंड के अलग होने के बाद सबसे पहले इस मुद्दे को तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और उसके बाद हेमंत सोरेन ने उठाया था। किसी ने भी बंगाल से बात करने की हिम्मत नहीं दिखाई। को लगता है कि मसान जोड़ का तो हमको पूर्णा मोटी लगभग जानकारी जो मिल रही है कि लगभग एग्रीमेंट पूरा हो चला है, नहीं होगा तो कुछ दिन में अब खत्म भी होने वाला है, तब तो फिर डैम का मालिक हम ही लोग बनेंगे और इसका पूरा उपयोग यहाँ के लोग करेंगे। लगभग 2 लाख विस्थापित किसान जो यहाँ रहते हैं, लेकिन पुनर्वास नीति के तहत इसका लाभ किसी को नहीं मिला। वहीं विस्थापितों का कहना है कि जितने भी विस्थापित गांव हैं, वहां किसी भी सरकारी पदाधिकारी को गांव में प्रवेश नहीं करने देंगे और मसान जोड़ डैम का पानी बंगाल नहीं जाने देंगे, लेकिन ये केवल बातें हैं। सुबीर चक्रवर्ती, जी मीडिया, दुमका।